नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वीनू शर्मा। चलिए देखते हैं डायबिटीज और एक्सेस वेट का क्या रिश्ता है और क्यों टाइप 2 डायबिटिक्स को वेट लॉस करना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि टाइप 2 डायबिटिक्स ओवरवेट होते हैं और उनमें टिपिकल फैट डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न होता है, मतलब एक्सेस फैट एब्डोमेन या पेट के अराउंड होता है, विच मींस देयर इज एक्सेस फैट अराउंड एब्डोमिनल ऑर्गन्स, जैसे कि हमारे इंटेस्टाइन्स हो गए, स्टमक, लिवर, पैनक्रियास एटसेट्रा। यही नहीं, जो उनके मसल मास होते हैं, आर्म्स और लेग्स की मसल्स, ये वीक होती हैं या मसल्स डिवेलप नहीं होती, पुअर क्वालिटी की होती हैं, उनमें भी एक्सेस फैट डिपोजिशन होती है। इस टाइप की ओबेसिटी को सार्कोपेनिक ओबेसिटी कहते हैं और ये टाइप 2 डायबिटिक्स में बहुत कॉमन है। मतलब कि अगर वेट नॉर्मल भी है या एक्सेस में नहीं है, ये टाइप ऑफ ओबेसिटी है तो भी उनके लिए बहुत डेंजरस है। अब हम देखते हैं कि ऐसा क्यों है। डायबिटीज देखिए दो रीजन से होती है। नंबर एक, इंसुलिन है पर वो काम नहीं कर रहा, जैसे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। नंबर दो, किसी रीजन से इंसुलिन ही बनना बंद हो गया है, जो कि बाद में टाइप 2 डायबिटिक्स में होता है, इसलिए उन्हें इंजेक्शन का सहारा लेना पड़ता है। जब हमें सार्कोपेनिक ओबेसिटी होती है या जब हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स के अराउंड एक्सेस फैट होता है और मसल कम होती है, मसल की क्वालिटी कम होती है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। मतलब इंसुलिन तो सिक्रीट हो रहा है लेकिन वो अपना काम नहीं कर पा रहा है। इसलिए टाइप 2 डायबिटिक्स को वेट लॉस, फैट लॉस जरूर करना चाहिए, क्योंकि जब वो ये करेंगे तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी और वो बीमारी को जड़ से खत्म कर पाएंगे। तो क्या करना चाहिए ये करने के लिए, कौन से चेंजेस करने चाहिए अपने लाइफस्टाइल में। नंबर वन, अपनी डाइट में जितना ज्यादा फाइबर इंक्लूड कर सकते हैं करिए। फाइबर कहाँ से आएगा? फाइबर केवल प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, यानी कि फाइबर केवल फ्रूट, वेजिटेबल, दालें, नट्स और सीड्स से ही मिलता है। एनिमल प्रोडक्ट्स में फाइबर होता ही नहीं है। जब हम अपनी डाइट में फाइबर इंक्लूड करते हैं तब हम उसे हाई न्यूट्रिशन और लो कैलोरी बनाते हैं, जिससे कि पेट भी भरा रहता है, अच्छी क्वालिटी का न्यूट्रिशन भी मिलता है और एक्सेस फाइबर, अच्छा फाइबर हमारे डाइट में से एक बैड फैट को हटाने का भी काम करता है। तो अपनी डाइट में अच्छा क्वालिटी ऑफ फाइबर जरूर इंक्लूड करें। दूसरा पॉइंट, अपने डाइट से जितने भी बैड फैट्स हैं, सैचुरेटेड फैट्स हैं, प्रोसेस्ड ऑयल्स हैं, उनको हटाइए, क्योंकि जब हम एक्सेस फैट खाते हैं तो वो सारा का सारा हमारी बॉडी के अंदर डिपॉजिट होता है, हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ाता है और ये सब इन सब के कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है। तो जितना भी बटर, घी, एनिमल प्रोडक्ट से मिला हुआ फैट है वो अपनी डाइट से हटाइए। तीसरा पॉइंट, एक्सरसाइज। अपने लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज को जरूर इंक्लूड करें। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो अच्छी क्वालिटी ऑफ मसल की डेवलपमेंट होती है। अच्छी क्वालिटी ऑफ मसल वो होते हैं जिनमें फैट परसेंटेज कम से कम हो या ना हो। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, बॉडी में मसल मास बढ़ता है, फैट की परसेंटेज कम होती है और अगेन हमारी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होती है और इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है। इसलिए टाइप 2 डायबिटिक्स को वेट लॉस, फैट लॉस पे जरूर एम करना चाहिए और मसल बनाने की तरफ अच्छे से ध्यान देना चाहिए, ताकि उनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो और इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़े, जिससे कि जड़ से टाइप 2 डायबिटीज का इलाज हो सके और रिवर्सल हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो कमेंट्स में टाइप कीजिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।